नमस्कार, मैं हूं सना फिरोज और आप देख रहे हैं द हेल्थ केयर टुडे। हम सभी जानते हैं कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती को उन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे उसके बच्चे को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन क्या आपको पता है गर्भवती महिला को शोर से भी दूर रहना चाहिए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्यों गर्भावस्था में गर्भवती को शोर से दूर रहना चाहिए, आखिर इसका नुकसान बच्चे को क्यों और कैसे होता है। देखिए ये रिपोर्ट। कहते हैं गर्भावस्था के दौरान बच्चा अपनी माँ की सहायता से ही दुनिया को देखता और सुनता है, इसलिए घर के बड़े बुजुर्ग माँ को अच्छा देखने और सुनने की हिदायत देते हैं। अगर ऐसे में गर्भवती को शोर शराबे में रखा जाएगा तो बच्चे पर क्या असर पड़ेगा। गर्भ में तीसरे हफ्ते से लेकर सातवें महीने तक बच्चे के कान विकसित होते हैं और बच्चा पाँचवें हफ्ते से ही आवाज़ें पहचानने लगता है। आपको बता दें, शोर को काबू में रखने के लिए हेयर सेल्स की भूमिका अहम होती है। तेज शोर बच्चों के कानों में मौजूदा संवेदनशील हेयर सेल्स को नुकसान पहुंचाता है। डॉक्टर्स का कहना है कि नवजात बच्चों को 3 साल की उम्र तक तेज शोर से दूर रखना चाहिए, क्योंकि जन्म के बाद बच्चा सुन पा रहा है या नहीं ये आसानी से पता नहीं चलता। इसलिए कई बार जब बच्चा तस्वीरों को देखकर रिएक्ट करता है तो माता पिता उसे आवाज पर होने वाला रिएक्शन समझ लेते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में हर 4 में से एक व्यक्ति सुनने की क्षमता वक्त से पहले खो देता है, यानी कि अब लोगों को कानों से जुड़ी बीमारियां 15 वर्ष से पहले ही होने लगती हैं। सुनाई देने की दिक्कतों में केवल नवजात शिशु ही नहीं, बड़ी उम्र के लोग भी शामिल हैं। मुंबई में हर 10 में से 4 ट्रैफिक पुलिसकर्मी ठीक से सुन नहीं पाते, क्योंकि वो पूरे दिन ट्रैफिक के शोर के बीच काम करते हैं। चेन्नई के एक सर्वे के मुताबिक पता लगा कि हर 15 में से केवल एक व्यक्ति को साउंड पॉल्यूशन की वजह से सुनने में दिक्कत आ रही है। आपको बता दें कि साउंड पॉल्यूशन का शिकार सिर्फ मुंबई चेन्नई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर दिल्ली कोलकाता बेंगलुरु पर भी देखने को मिल रहा है। सुनाई देने की दिक्कतों का जिम्मेदार हम एयरफोन्स का ज्यादा इस्तेमाल, तेज वॉल्यूम में गाने सुनना और बेवजह हॉर्न्स का बजाना भी मान सकते हैं। अर्थ सेवियर फाउंडेशन नामक संस्था के अनुसार भारत में होने वाले साउंड पॉल्यूशन में हॉकिंग की हिस्सेदारी 70% है, यानी अगर लोग बिना वजह हॉर्न बजाने की अपनी आदत सुधारने लगे तो 70% साउंड पॉल्यूशन कम हो जाएगा। तो देखा आपने कि गर्भावस्था से ही इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि बच्चा शोर से दूर रहे, क्योंकि शोर से होने वाले नुकसान की शुरुआत जन्म से पहले से होने लगती है। ध्यान रहे, अगर शोर वाली जगह पर जाना जरूरी है तो कानों में रुई रखकर ही जाएं। आज के लिए इतना ही। हेल्थ से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हेल्थ केयर टुडे। हम रखें आपका ख्याल।